हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? एजुकेशन पावर हब पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो। तो फ्रेंड्स, क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी इस टेस्ट क्विज़ का फ़ायदा मिले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर कोई नया है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर रोज़ाना शाम को 8:30 बजे टेस्ट क्विज़ होती है, पॉलिटिक्स के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। मॉर्निंग में 8 बजे ज्योति मैम की क्लास जनरल साइंस की, और इवनिंग में 9 बजे, मॉर्निंग में 9 बजे बी आर सर की क्लास होती है जीके की। तो फ्रेंड्स, सभी क्लासें लिया करो। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? कल हमारे 25 क्वेश्चन हो गए थे, तो 26 क्वेश्चन है हमारा। यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो आंसर बताइए आप सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। याद रख लेंगे आप सभी, यूएनओ के प्रमुख अंग जो है 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्लास को शेयर कर दीजिए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद में जो है कितने स्थायी सदस्य हैं? तो कितने स्थायी सदस्य हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कमेंट करके बताइए सभी फटाफट से। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। याद रख लेंगे आप सभी, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य जो हैं 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। और अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10। याद रख लेंगे आप सभी, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो हैं वो 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या क्या है? यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या क्या है? कितनी अधिकृत भाषाएं हैं यूएनओ में? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6। यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? तो सभी बताइए कमेंट करके। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, 1998 में, 1998 में भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये भी एग्जाम में, तो याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। चुखा किन दो देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? तो यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी बताइए। चुखा किन दो देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और भूटान की जो है ये परियोजना है, संयुक्त जल विद्युत परियोजना, क्या चुखा, याद रख लेंगे आप सभी, भारत है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बिल्कुल सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि 1957 में भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, भारत में कागजी मुद्रा प्रचलन किस वर्ष हुआ? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1862, 1862 में जो है कागजी मुद्रा प्रचलन का जो है शुरू हुआ, कागजी मुद्रा प्रचलन 1862 में भारत में शुरू हुआ, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वैसे सभी राज्यों के लोक नृत्य की ट्रिक जो है सर ने करवा रखी है, तो किसी ने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किस राज्य का है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है ये तो। और विधानसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीटें अगर पूछ ले तो याद रखेंगे आप सभी 235, और लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा सीटें हैं 39, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? लड्डू सा सवाल है बिल्कुल, तो सभी इसका आंसर बताइए, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती किस रूप में मनाया जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अहिंसा दिवस के रूप में जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चोरी चोरा कांड से दुखी होकर जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि इस मामले की जांच जो है ढंग से नहीं हो पा रही थी इसलिए। और ये जो है चोरी चोरा कांड कब हुआ, तो याद रखेंगे आप सभी 5 फरवरी 1922 को, याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37,
एक रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? क्वेश्चन है हमारा, एक रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट। जी हाँ, किसका होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि वित्त सचिव का। एक रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो एक बार लोक नृत्य की ट्रिक जो सर ने करवाई है एक बार जरूर देख लेना, अगर किसी को याद नहीं है तो बिल्कुल सारे लोक नृत्य जो है वो याद हो जाएंगे सभी राज्य के। बहुत ही शानदार वाली ट्रिक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2011 से 2012, 2011 2012, याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को आना चाहिए। भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेरशाह सूरी जो है उसने ही पहली बार 1 रुपया नामक सिक्का चलाया गया उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है? तो पता है ये तो सभी को, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर सभी बताएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेट्रोलियम, तो याद रखेंगे आप सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ किया था सभी को पता है, आंसर दीजिए फटाफट। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहला प्रयोग जो है वो कहाँ पर किया था? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर किया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है, करेक्ट आंसर है चंपारण ने, याद रखेंगे आप सभी। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वो चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया? किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर गांधी जी ने केसर ए हिंद की जो उपाधि थी उसको लौटा दिया।
और ये जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी 1919 में, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है। ग्रेशम याद रखेंगे, ग्रेशम का नियम जो है उसका संबंध किससे है, तो किससे है। ऑप्शन आपके सामने है, शेयर बाजार से, मुद्रा प्रचलन से, बीमा प्रचलन से, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सभी बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रा प्रचलन से जो है ग्रेशम का संबंध है, तो याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो सर के द्वारा जो ट्रिक करवाई गई है वो एक बार देख लेना, सर ने बहुत ही शानदार वाली ट्रिक करवा रखी है, सारे लोक नृत्य याद हो जाएंगे उससे, तो ज़रूर देखना एक बार। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो किसका है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक का, यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो याद रख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूनतम कोष प्रणाली पर जो है भारतीय मुद्रा निर्गमन प्रणाली आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बिल्कुल लड्डू सा सवाल, एलोरा की गुफा किस भारत के किस राज्य में है। एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है, तो किस राज्य में है एलोरा की गुफा, अजंता एलोरा की गुफा, तो सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र, एलोरा की गुफा जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मुद्रा स्फीति में किसको लाभ होता है। मुद्रा स्फीति में किसको लाभ होता है, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋणी व्यक्ति को जो है मुद्रा स्फीति में लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है इनमें से। सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा
तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाउंड। पाउंड जो है वो सबसे महंगी मुद्रा है, तो याद रख लेंगे आप सभी। अच्छा ये बताइए, टका जो है ये कौन से देश की मुद्रा है? टका तो ये है बांग्लादेश की, याद रखेंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स आज के सारे 50 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर कोई नया है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और रोजाना यहाँ पर टेस्ट क्विज चलती है, शाम को 4 बजे इंग्लिश की भी क्लास आ रही है। अभी 2-3 दिन ही हुए हैं क्लास को शुरू हुए, बहुत ही शानदार वाली क्लास है, तो जिसने भी नहीं लिया जाकर एक बार देख लेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।